डोडा जिले की तहसील मरमत में मोहम्मद दीन वानी के रिहायशी मकान में शॉर्ट सर्किट से कृषि विभाग के कार्यालय और कृषि विभाग की 8 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। शॉर्ट सर्किट ने 3 मंजिला रिहायशी मकानों को भीषण आग ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घरों और आधिकारिक रिकॉर्ड को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोग भी आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लकड़ी के निर्माण के कारण अग्नि और आपातकालीन सेवा की अनुपलब्धता के कारण इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई और करोड़ों की संपत्ति राख में बदल गई। बाद में फायर एंड एमरजेंसी सर्विस डोडा मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मौके पर पहुंची। हालांकि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जहां उल्लेख करना उचित है कि मरमत तहसील में हजारों की आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायर एंड एमरजेंसी सेवा उपलब्ध नहीं है और कम से कम 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने डीडीसी डोडा से फायर एंड एमरजेंसी सेवा को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की मांग भी की। डोडा से आबिद बानी, अलर्ट इंडिया न्यूज़।